नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा के महापर्व की शुभ अवसर पर बजरंग सेना संगठन द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस 17वें वर्ष भी भारतीय संस्कृति का परचम लहराते हुए हिंदुत्व एकता दिखाने के उद्देश्य एवं धर्म रक्षा के संकल्प के साथ भव्य भगवा यात्रा निकाली गई। भगवा यात्रा में विधायक गायत्री राजे पवार, विशाल रघुवंशी, भरत चौधरी, धर्मेंद्र सिंह बेस, नवीन सोलंकी सहित बड़ी संख्या में बजरंग सेना के कार्यकर्ता मौजूद रहे। यात्रा संयोजक एवं संगठन संस्थापक एडवोकेट उमेश चौधरी ने बताया कि भगवा यात्रा गुड़ी पड़वा पर शाम 6 बजे रामदेव मंदिर सयाजी द्वार से पंचमुखी हनुमान जी महाआरती के साथ प्रारंभ हुई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कालानी बाग स्थित हनुमान मंदिर पर पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा पश्चात महाआरती के साथ महाप्रसादी का वितरण किया गया। यात्रा में हिंदू समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। शहर के प्रमुख मार्गों पर यात्रा का स्वागत भी किया गया। यात्रा में शामिल विधायक गायत्री राजे पवार ने कहा कि आज हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा के अवसर पर एक भव्य भगवा यात्रा निकाली गई है। यह यात्रा युवाओं को धर्म से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी और आज के दिन महत्व युवाओं को पता चले उसमें भी योगदान देगी। माँ चामुंडा देवी और तुलजा देवी के आशीर्वाद से देवास में सुख समृद्धि बनी रहे, ऐसी कामना करती हूँ। देवास से न्यूज 69 के लिए अभिषेक सोनी की रिपोर्ट। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी सनातनियों के लिए और हिंदू धर्म प्रिय लोगों के लिए। आज हमारा हिंदू नववर्ष का प्रारंभ हो रहा है और उसके उपलक्ष्य में हमारे सभी युवाओं ने एक भव्य भगवा यात्रा निकाली है। सभी जो श्रद्धालु हैं, जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने उमेश चौधरी, विशाल रघुवंशी, इन लोगों के नेतृत्व में ये भव्य जो यात्रा निकल रही है युवाओं को भी प्रोत्साहित करेगी धर्म से जुड़ने के लिए। और आज के दिन का महत्व सबको पता चले उसमें भी बहुत मदद। एक अलग ही माहौल पूरे शहर में दिख रहा है। माता रानी के यहाँ पे भी टेकरी पर भी और पूरा शहर भगवान में नजर आ रहा है। राजे माता जी की कृपा है, प्रभु श्री राम की कृपा है कि आज केवल देवास में ही नहीं पूरे देश में ये माहौल है और बस ऐसी आशीर्वाद बनी रही। यही कामना करते हुए देवास में सुख समृद्धि खुशहाली छाई रहे, यही कामना करते हैं। देवास वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देवास वासियों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि जिस तरह से अपने धर्म के प्रति निष्ठा दिखा रहे हैं उसको आप और आगे बढ़िए, उत्साह के साथ धर्म का पालन कीजिए और सुख शांति समृद्धि बनी रहे अपने शहर में, इसका खासा ध्यान रखें। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।